ध्यान देखना, श्री देवेंद्र की आय, देवेंद्र की आय का विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले निम्नलिखित था, ठीक है। मिस्टर देवेंद्र जो है, श्री देवेंद्र का 31 मार्च को था, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम सोल ट्रेडिंग कंसर्न 60,000। सबसे पहले यहाँ पे मैं ना सैलरी देख लेता हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या, ये है। मकान संपत्ति से प्राप्त किराया, किराया मिला कितना आपको, 48,000 रुपये मिला हुआ, कितना। इसके अलावा और कहीं मकान संपत्ति है क्या, नहीं। मैंने बताया था आपको मकान संपत्ति किराया रहेगा तो क्या करते हैं उसमें 30% हम लोग डिडक्शन माइनस करते हैं, है ना, एनुअल वैल्यू का, ठीक है। तो ये आपको इनकम मिला 48,000 रुपये, ये लिख लीजिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू 48,000 रुपये, उसमें कोई टैक्स वैक्स माइनस नहीं दिया है तो डिडक्शन, है ना, माइनस का साइन डाल दिया मैंने यहाँ पे, माइनस डिडक्शन नहीं है तो 48,000 रुपये हमारा एनुअल वैल्यू आ गया। एनुअल वैल्यू का 30% माइनस करते हैं, जो हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है वो जानता है, 48,000 का 30% माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, उस समय तो काफ़ी बताया था मैंने, ठीक है। कि पहले क्या होता था, लोग बोलते थे कि भाई हम लोग मकान का सफ़ेदी कराए हैं, टाइल्स लगाए हैं, इसलिए हम लोग किराया ज़्यादा मिला है, ये सब खर्चा दिखाते थे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, भैया 30% आप माइनस कर लो, आप चाहे खर्चा करो चाहे मत करो, चाहे ज़्यादा करो चाहे कम करो, उससे कोई मतलब नहीं, 30% आप माइनस कर लो, उसके बाद इनकम जो है उस पर हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें से 30% माइनस किए, 48,000 का 30% इतना माइनस के बाहर आ गया, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अब बिजनेस इनकम देते हैं। एकाकी व्यापार से लाभ, रेंट प्रॉफिट फ्रॉम सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अकेला बिजनेसमैन है ना, कितना 60,000 रुपये। और देखते हैं और कोई बिजनेस करके, व्यक्तियों के संघ का लाभ का हिस्सा, व्यक्तियों के संघ का लाभ का हिस्सा, पार्टनरशिप का लाभ का हानि का हिस्सा, ये सब यहाँ पे नहीं आता। ये हम लोग जो बना रहे हैं सिंगल बिजनेसमैन का बना रहे हैं, मिस्टर देवेंद्र का, ठीक है। उसका पार्टनरशिप का इनकम, उसका कहीं ग्रुप वाला इनकम होगा, कंपनी का इनकम होगा, वो सब यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। आगे तो एक भारतीय कंपनी से लाभांश मिला है, कंपनी का इनकम नहीं है, कंपनी में पैसा लगा था तो वहाँ पर डिविडेंड मिला है, वो उसका पर्सनल इनकम है, पर्सनल को लेंगे हम लोग उसका अदर सोर्स में, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको ना पहले ना जब बनाते हैं ना तो उसको लिख देना, ये एच पी में आएगा, ये बिजनेस में आएगा, एक भारतीय कंपनी लाभांश अदर सोर्स में आएगा, अब सर से दीर्घकालीन पूंजी हानि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा, सी जी लिख दो। अन्य संपत्ति के विक्रय पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ, ये भी सी जी में आएगा। व्यापारिक हानियाँ जो गत वर्ष से लाई गई है, ठीक है, बिजनेस लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, कितना 96,000 रुपीज। हम लोग यहाँ पे बिजनेस में कमाए कितना है, ऊपर 60,000 रुपये कमाए हैं, हिंदी वाले में अच्छे से क्लियर दिख रहा है ना, इसलिए मैं हिंदी वाले बता रहा हूँ। व्यापारिक लाभ से 60,000 रुपये कमाए हैं और लॉस है कितना, 96,000 रुपीज। तो जो बिजनेस इनकम जो है बिजनेस लॉस से ही वहाँ से एडजस्ट होगा, ठीक है। तो देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस 60,000 रुपये, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, पिछला पुराना लॉस जो है 96,000 एडजस्ट करने की कोशिश किए तो अभी भी 36,000 रुपये एडजस्ट नहीं हो पाया, उसको क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा दो लाइन खींच के उसको यहीं पर रोक दिए, कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं, आप कैपिटल गेन देख लेते हैं। कैपिटल गेन में यहाँ पर लिखा है आभूषण पर दीर्घकालीन पूंजी हानि, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम ज्वेलरी, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ अदर एसेट, ठीक है, 372,000 है ये, अरे 45,000 है, ठीक है। तो इधर देखना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 372,000, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 45,000 को एडजस्ट किए, ठीक है, एडजस्ट करने के बाद 327,000 रुपये बाहर, क्योंकि लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक भारतीय कंपनी से लाभांश कितना दिया है, 15,000 रुपये। एक भारतीय कंपनी से लाभांश कितना है, डिविडेंड 15,000 रुपये आएगा, ठीक है। ये पुराना कंसेप्ट के हिसाब से लिख दिए हैं इसको, 15,000 रुपये टैक्सेबल है, 15,000 रुपये बाहर आएगा और आंसर आ जाएगा 375। ओके, पहले ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अभी ये आ जाएगा 15,000 रुपये आएगा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी से लाभांश टैक्सेबल है ना, ठीक है। 15,000 जोड़ दो तो 375,000 रुपये आ गया, ठीक है। आया क्या आंसर, 375,600, अच्छा ये भी 600 है, ठीक है, ठीक है, 375,600, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिख ले रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये हमारा हिंदी में दिया हुआ है और ये हमारा इंग्लिश में दिया हुआ 13। फ्रॉम द पार्टिकुलर गिवन बिलो कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस कंप्यूटेड, ठीक है, किराए पर दिए गए मकान, ठीक है, पहले हम लोग वो लिख रहे थे किसमें किसमें आएगा, ये हाउस प्रॉपर्टी में, एनुअल रेंटल ये भी हाउस प्रॉपर्टी में, म्यूनसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी में, प्रॉफिट फ्रॉम इलेक्ट्रिक गुड्स बिजनेस आफ्टर डेप्रिसिएशन बिजनेस में, प्रॉफिट फ्रॉम एजेंसी बिजनेस बिजनेस में, स्पेकुलेशन गेन फ्रॉम गोल्ड
ये भी बिजनेस में आता है, पर सेकंड पार्ट करके बनाएंगे इसको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन सीजी, शॉर्ट टर्म वाला सीजी में। उसके बाद कुछ पुराना लॉस है 19-20 का, उसको चलो देखते हैं। लॉस फ्रॉम इलेक्ट्रिक गुड्स बिजनेस, ये भी एडजस्ट होगा बिजनेस लॉस बिजनेस में। लॉस फ्रॉम एजेंसी बिजनेस, ये भी एडजस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन, लॉस फ्रॉम सिल्वर, ओके, ऊपर गोल्ड वाला बिजनेस का इनकम है, स्पेकुलेशन गेन गोल्ड का है, गोल्ड से एडजस्ट हो जाएगा सिल्वर का। एंड अब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हो तो लास्ट में एडजस्ट होता ही है कहीं भी, इसको मैं ऐसा लाइन खींच देता हूँ, कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा वो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म में एडजस्ट होगा सीजी में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहीं भी एडजस्ट हो सकता है वो, ठीक है, आसान है बट थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग पहले हाउस एचपी की बात करते हैं। एचपी तीन जगह लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस मतलब किराया वाला मकान, एनुअल रेंट फॉर सेल्फ होगी मतलब खुद रहने वाला, खुद रहने वाला को नहीं लेते हम लोग, 4000 दिया जरूर है उसका, हम लोग किराया वराया नहीं लगते ना, तो 6000 को लेंगे, ठीक है। उसमें और ये क्या लिखा, कंप्यूटेड लिखा है, कंप्यूटेड लिखा ना, गणना की गई, हिंदी में देखो लिखा हुआ गणना की गई, गणना की गई मतलब वहाँ पे सारा चीज माइनस हो चुका है, म्यूनसिपल टैक्स और 30% जो माइनस करते हैं सारा चीज माइनस हो चुका है, तो हम लोग और अलग से माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेट आउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट इनकम ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं कंप्यूटेड, वहां वैसे लिखा हुआ कंप्यूटेड, कंप्यूटर लिख दे 6000 रुपए, सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं लेते, टोटल हो गया 6000 बाहर, क्लियर। अब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी की बिजनेस इनकम की बात करते हैं। बिजनेस इनकम दो दिया है, प्रॉफिट फ्रॉम एजेंसी बिजनेस, ठीक है, और प्रॉफिट फ्रॉम इलेक्ट्रिक बिजनेस। इलेक्ट्रिक बिजनेस में 10000 का प्रॉफिट है और नीचे में इलेक्ट्रिक बिजनेस का 6000 का लॉस है, ठीक है। एजेंसी बिजनेस यहाँ पे कितना है, 3000 का इनकम है और नीचे में एजेंसी बिजनेस का लॉस भी 1000, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं हम लोग, टोटल यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम इलेक्ट्रिक गुड्स बिजनेस का जो है 10000 रुपये इनकम, एजेंसी बिजनेस का कितना है 3000, टोटल कितना हो गया 13000 रुपये। दो ठो बिजनेस लॉस इसी का, इलेक्ट्रिक पर 6000 का लॉस पुराना बचा हुआ है और एजेंसी का 1000 का लॉस, टोटल 6 और 1 कितना हो गया 7000, ठीक है। ये कॉमा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 6000 रुपये इलेक्ट्रिक गुड्स वाले का लॉस था और 1000 रुपये पूरा उसका एजेंसी वाले का था, टोटल 7000 का लॉस है। तो 13000 में 7000 माइनस कर दिया तो 6000 आया, ये 6000 का मैंने अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लास्ट में भी आप माइनस कर सकते हो, इधर कोने में लास्ट में भी माइनस कर सकते हो, यहाँ इनकम थी तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर दिए। अशोधित राशि को मैंने माइनस कर दिया 1000, तो बचा कितना 5000। चलिए उसके बाद कैपिटल गेन, ध्यान दे रहे ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखो दिखा है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ हिंदी में बताता चलो, ठीक है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ दिया 7000, इसमें नीचे दीर्घकालीन पूंजी हानि दिया 4400, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। दिखाओ तो ये देखो, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7000, इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 4400 एडजस्ट हो गया, 2600 बाहर हो गया। फिर वैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2000 रुपये और शॉर्ट टर्म का लॉस कितना है 3000, 2000 में 3000 को एडजस्ट करेंगे तो भी 1000 बचेगा, 1000 बचेगा तो लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट हो जाता है, शॉर्ट टर्म एडजस्ट हो जाता है ना लॉन्ग टर्म के साथ, ठीक है। तो लिख दिया मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2000 रुपये लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसे लिखा ना ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 3000 को एडजस्ट किए, 2000 में 3000 एडजस्ट करने की कोशिश किए, फिर भी 1000 का लॉस बचा, उसको लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट कर लिए। अगर यहाँ भी एडजस्ट नहीं होता तो फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता, 2600 में 1000 एडजस्ट कर दिए तो 1600 रुपये बाहर, ठीक है। और कुछ बचा नहीं, हमारा एक पॉइंट बच गया स्पेकुलेशन वाला ना, सोने के सट्टे से लाभ कितना था 2000 रुपये और चांदी के सट्टे से हानि कितना है 4000 रुपये। तो स्पेकुलेशन प्रॉफिट फ्रॉम गोल्ड 2000 रुपये, इसमें 4000 के लॉस को मैंने एडजस्ट करने की कोशिश किया, अभी भी 2000 का लॉस है, उसको क्या करेंगे स्पेकुलेशन लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। ये पॉइंट हमारा छूट गया था, ठीक है। चलिए टोटल कर दे 6 और 5 और 16 टोटल कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है, 6, 5, 11 और 1 12600 रुपये टोटल आ जाएगा, 12600 रुपये आंसर।